दोस्तों जिसका डर था वही होने जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम में आपस में भिड़ने की तैयारी हो रही है। वीडियो दिखाऊंगा किस तरह मुसलमान सड़कों पर उतर गए हैं, निकल गए हैं, साथ ही साथ एक अंग्रेजी जुल्म दिखाऊंगा किस तरह एक मुस्लिम के जिंदा मुस्लिम के नाखून को उखाड़ लिया गया है। जिंदा नाखून, जिंदा आदमी के पैर से नाखून उखाड़ लिया गया है। वो वीडियो देखने के बाद आपको अंग्रेज़ याद आ जाएगा, जिस तरह अंग्रेज़ यहाँ पर कब्जा करके हिंदुस्तानियों को सताते थे। तो एक तरफ से क्लियर करके वीडियो दिखाऊंगा ताकि ये वीडियो समझ में आ जाए। लेकिन सबसे पहले धर्म संसद भगवाधारी और मुसलमानों के बीच क्या कुछ अभी चल रहा है, एक दो बात उस पर बोलना चाहता हूँ। अगर आम भाषा में कहूँ तो भगवाधारी धर्म संसद के अंदर ये कहते हैं कि हमारा धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म खतरे में है, अगर इस धर्म को बचाना है तो मुसलमानों को ख़त्म करना होगा। तो इसके जवाब में मुसलमान लोग भी अब सड़कों पर उतर गए हैं और ये कह रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं कि हम तैयार हैं, आओ, अगर हमारे खून से प्यास बुझती है तो बुझा लो, हमें ख़त्म कर दो। मुसलमान भी तैयार हो गए हैं। भगवाधारी ये कह रहे हैं कि हमारा धर्म खतरे में है। आप सोच कर देखिए, थोड़ा सा मुसलमान है, 80% हिंदू हैं, लेकिन थोड़े से मुसलमानों से इतने सारे हिंदू खतरे में आ गए हैं। लेकिन किस तरह हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। भगवाधारी ये कहते हैं कि 100 हिंदू अगर मिल जाएंगे तो 20 लाख या 20 करोड़ मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे। अगर मुसलमान ताकतवर हैं तो 100 हिंदू 20 लाख या करोड़ मुसलमानों को कैसे ख़त्म कर देंगे? और अगर ख़त्म कर देंगे, इसका मतलब हिंदू खतरे में नहीं है, मुसलमान डरे हुए हैं। किस तरह देखिए बेवकूफ़ बना रहे हैं भगवाधारी, पूरे देश को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। लेकिन आप लोग बेवकूफ़ बनिएगा मत। एक पोस्ट दिखाऊँगा, एक पोस्ट देख लीजिए, पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद वो वीडियो दिखाऊंगा किस तरह जिंदा मुसलमान के नाखून उतार लिए गए। सबसे पहले ये पोस्ट देखिए, किसी यूज़र ने ये पोस्ट किया है, हिंदू सेफ। देखिए आसान भाषा में बताऊंगा, इंडोनेशिया में मुस्लिम 87% है, लेकिन हिंदू सिर्फ 1.7% है, वहाँ पर हिंदू सेफ हैं। देखिए नीचे बताया गया है, हिंदू सेफ इन मलेशिया, मलेशिया में मुस्लिम 63% है, हिंदू 7%, लेकिन वहाँ पर भी हिंदू सेफ है। उसके बाद गल्फ में बताया जा रहा है सिर्फ 1% हिंदू हैं, सभी मुस्लिम हैं, लेकिन वहाँ पर भी हिंदू सेफ है। सबसे नीचे आप देखिएगा, उस पर गौर करने की बात है, बट हिंदू आर इन डेंजर इन इंडिया। लेकिन आप जानते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में 80% लगभग हिंदू हैं और थोड़े से मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। बताइए किस तरह बेवकूफ़ की बातें ये लोग कर रहे हैं और हिंदुस्तान को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस तरह आपस में लड़ने से क्या होता है, नुकसान क्या होता है। बताया जाता है कि अगर घर फूटता है तो बगल वाला लूटता है। हिंदुस्तान में ये लोग फूट डालते हैं और गोदी मीडिया इस पर कोई बात नहीं करती है, सरकार खामोश रहती है। तब चीन, जो हमारा दुश्मन है, वो चीन क्या किया, हमारी ज़मीन को कब्जा लिया, गलवान घाटी के अंदर घुस चुका है, और इधर हिंदू मुस्लिम धर्म संसद चलाया जा रहा है और हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाई जा रही है। चीन उधर गलवान घाटी में घुसकर कब्जा किया, झंडा फहराया और पत्थर पर लिख दिया कि 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। आप रिपोर्ट देख सकते हैं, उधर चीन लूट रहा है, हमारा घर इधर फूट रहा है, चीन लूट रहा है। अब आइए दूसरी खबर, जो खौफनाक खबर है, जिंदा इंसान के पैर के नाखून उखाड़ लिए गए। किसने उखाड़ा और ये कहाँ की खबर है, आपकी स्क्रीन पर है, पढ़कर सुना देता हूँ। देखिए झारखंड बोकारो, झारखंड की खबर है, झारखंड बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र के रहने वाले अमानत हुसैन का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनके और उनकी पत्नी के साथ बर्बरतापूर्वक पेश आया गया, उनके पत्नी के साथ भी गलत व्यवहार किया गया, उन्हें बेरहमी से पीटा गया, यहां तक कि उनके पैरों के नाखून तक नोच लिए गए, जबकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था। जब कोई जुर्म नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, तो इस तरह क्यों किया पुलिस, इस तरह अमानत के साथ क्यों किया? तो कुछ पत्रकार, कुछ सोशल मीडिया के यूज़र ये बताते हैं कि शायद उसका नाम अमानत था, यानी मुसलमान था, इसीलिए इस तरह किया गया।
अब आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है। देखिए, चीन हमारे देश के अंदर घुस आया है, जहां पर हमारे जवान शहीद हुए थे वहां पर घुस आया है। बताया जा रहा है तीसरी लहर आने वाली है। दूसरी लहर जब आई थी तब गंगा किनारे हिंदुस्तान के कई लोगों की लाशें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे थे। अब वो कोरोना तीसरी लहर भी आ रही है, चीन भी हमारे देश के अंदर घुसता आ रहा है। अब आप बताइए, ये लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म सनातन धर्म खतरे में है, आप बताइए देश खतरे में है या सनातन धर्म या हिंदू धर्म खतरे में है। अगर सच में देश खतरे में है तो ये लोग जो रैली निकाल रहे हैं सड़कों पर और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को ख़त्म करना पड़ेगा, आप बताइए जो देश के जो दुश्मन हैं कोरोना की तैयारी करनी चाहिए और चीन को जवाब देना चाहिए या मुसलमानों को ख़त्म करना चाहिए, आप लोग बताइए, कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। और जो लोग नए आए हैं चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।